हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है कंटिन्यूसली लोअर लो क्रिएट किया है रिसेंट में इस पिछले एक वीक का, तो डेफिनेटली जो है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन जरूर दे रहा होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा था वीक के स्टार्ट होने पर भी कि बिटकॉइन जो है इस वीक का कैंडल प्रोबेबल है कि हम रेड कैंडल क्लोज करें एंड क्लोजर जो होगा मोस्ट प्रोबेबली 46,000 से 47,000 के नियर बाय हो सकता है। तो डेफिनेटली आज फ्राइडे है और वीक डेज में जरूर जो है हमारा फ्यूचर के चार्ट पे आज का क्लोजर है, तो इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कैसे क्या प्ले आउट होता है आज शाम होते होते। लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिवली पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो डोमिनेंस चार्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हां, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया है पिछले 24 आवर्स में। एज पर एक्सपेक्टेड हमारा जो लोएस्ट बॉटम रीच किया 46,300 डॉलर के अराउंड में पहुंचा एंड वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। अल्टीमेटली क्लोजर हमें मिला 46,856। तो ये कैसा क्लोजर है, क्या बिहेव कर सकता है इसके बाद, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के दिन की बात करें तो आज भी हमने लोएस्ट जो बॉटम रीच किया 46,363 और अभी जो है हम 46,830 डॉलर के आसपास, यानी कि जहां पे ओपनिंग हुआ था कैंडल का उसी जगह पे हैं। तो क्या इंपैक्ट हो सकता है, सबसे पहले बात करेंगे आरएसआई की। क्यों? क्योंकि आरएसआई में मैंने आपको कहा था कि ये एक काइंड ऑफ जो ट्रायंगल बना रहा है इसका अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा सा करेक्शन बनता है, और अगर ऊपर की तरफ आता है तो डेफिनेटली और ज्यादा बुलिश होंगे। तो अभी ये नीचे की तरफ करेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली कल का क्लोजर जो है मैंने आपको कहा था अगर इसके नीचे क्लोजर मिलता है तो ये कंफर्म करेगा कि हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर रहे हैं। हमने सिर्फ इसके नीचे ही नहीं बल्कि जहां पे स्टार्टिंग है वहां के आसपास क्लोजर बनाया, तो ये काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा आज कैसे बिहेव करता है, क्या आज का क्लोजर हम ऊपर लेते हैं, और अगर हम ऊपर लेते हैं और वापस से इसके अंदर आ जाते हैं तो हम इसे फेक आउट कहेंगे, और अगर आज का क्लोजर भी इसके बाहर ही होता है, इस जोन के बाहर होता है, तो डेफिनेटली ये हमें आने वाले दिन में थोड़ा बहुत और दिन जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ ही दिखेगा, यानी कि हो सकता है 50 का लेवल एंड टू बी फ्रैंक एज पर टारगेट ये आपको अराउंड 40 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो क्या होगा इसकी वजह से इंपैक्ट प्राइस पे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये होगा आज के क्लोजर के बाद कंफर्म। लेकिन बाकी के चीजें क्या कहती है चार्ट पे वो भी हम प्राइस एक्शन की भी बात कर लेते हैं। आरएसआई के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे हो गया है, प्रोबेबल जहां पे हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए वहां तक पहुंच गया, तो काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है आज जहां पे हम हैं वहीं या उससे थोड़ा ऊपर क्लोजर दिखाएं एंड अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली हो सकता है यहां से रिवर्सल देखने को मिले, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि हमें जो है 46,000 का लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट है। क्यों मैं बोल रहा था बार बार सपोर्ट है, उसको भी देख लेते हैं। क्लियरली आपको दिखेगा चार्ट पे कि अभी जो रिसेंटली बॉटम आया था वहां से अगर हम अभी रीसेंट के पीक को अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि हमारा जो गोल्डन रेशियो है एग्जैक्टली इसी जगह अलाइन है, यही नहीं 21 ईएमए भी यहां पे अलाइन है। एंड इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा गाइस कि इसी जगह पे हमारा अगर आप रिसेंटली जो बॉटम हुआ था मार्केट वहां तक का अगर प्रीवियस हाई से अगर कंपैरिजन करें तो वहां पे हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था इस जोन के आसपास, यानी गोल्डन रेशियो के आसपास, तो वहां पे रिजेक्शन मिला। सपोर्ट इस जगह पे कहां पे है, सपोर्ट साफ साफ है इस जगह पे जहां पे अभी है हमारा कैंडल, तो वही प्ले आउट हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो रहा है। मैंने इसकी बात तो शायद पिछले वीक से ही कही थी कि ऐसा कुछ करेक्शन आ सकता है। अब यहां से कहां, अब ध्यान से देखा जाए तो हम इस जो जोन है, हम जो इस जो पैटर्न है उससे बाहर थोड़ा बहुत क्लोजर बना है, तो क्या अब हम इस पैटर्न से बाहर आ चुके हैं? तो अभी भी ये पैटर्न से बाहर कंफर्म नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखो, ये पैटर्न जब भी बनाया जाता तो उसके बेस पे कहीं ना कहीं ये चार्ट पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है, देयर इज नो गारंटी। बट आप ध्यान से देखोगे इस पैटर्न के बाहर कई बार हमने क्लोजर लिया है, आप यहां पे देखोगे इस जोन के नीचे कई बार आ गया था, ऊपर क्लोज लिया। अगर हम मैं थोड़ा सा और इसे अगर शिफ्ट करूं
वीक टू वीक देखा ना जा वीक टू वीक ना देखे अगर कैंडल टू कैंडल देखूं तो यहाँ पे भी जो है काफी नीचे ऑलमोस्ट क्लोजर था। बट कह सकते हो अभी तक का जो भी क्लोजर है उसके हिसाब से भी हमारा जो बॉडी है बिल्कुल ऑन द लाइन जो है क्लोजर मिला था कल के दिन। यानी थोड़ा भी ऊपर भी मिलता तो और अच्छा होता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन अगर हम वापस से इसके अंदर चले जाते हैं यानी कि 47,600 या उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजर बनाते हैं, या 47,500 के ऊपर कहीं पे क्लोजर बनाते हैं, तो इसे ब्रेकआउट नहीं कहेंगे इस पैटर्न से। इस बात को समझो पहली बात, चांसेस कितने हैं इसके होने के। देखो एज पर आरएसआई तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एज पर मैकडी अगर देखूं तो मैकडी ऑब्वियसली लेट से चीजें इंडिकेट करती है, बट एज पर मैकडी भी चीजें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। सकोष्टिक आरएसआई जरूर मुझे यहां से रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, ऑल दो हो सकता है कि पहला हाफ जो हो नेक्स्ट जो 12 आवर्स हो उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे बिटकॉइन एंड अल्टीमेटली वहां से रिवर्सल दिख सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है अगर यहां से नीचे जाता है तो कहां पे सपोर्ट है। सपोर्ट की बात मैं जरूर आपको बता देता हूँ, सबसे मेजर सपोर्ट तो 42,800 के अराउंड है। तो क्या वहां तक जाएगा? तो ऐसा नहीं है गाइज, बस मैं आपको सपोर्ट की बात कर रहा हूँ एज पर टी। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड अगर मैं अभी रिसेंट जो बॉटम आया था मार्केट का, अगर वहां से अभी जो पीक आया उसको कंपैरिजन करूँ तो उसके हिसाब से जो मेजर सपोर्ट बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, अराउंड जो है 45,600 के अराउंड बनता है। 45,600 के अराउंड में बनता है। एंड ये क्यों बनता है, हमने पहला अगर कह लो यहाँ पे करेक्शन आया तो ये अगर नीचे जा रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इस लेवल को भी टेस्ट करें। लेकिन इस लेवल तक जाने पे क्या क्लोजर मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। हमें 21 EMA बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो सबसे पहली बात इस चीज को माइंड में लेके चलो कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। चाहे 44,000 का लेवल हो, 45,500 का लेवल हो, या 46,200 या 46,000 का लेवल हो, इन सभी जगह पे सपोर्ट है। तो इतना आसान नहीं है नीचे जाना। दूसरी बात, जब से मार्केट नीचे जा रहा है पिछले अभी मैं अगर प्रोबेबल कुछ दिनों की बात करूँ, कल की बात करूँ एंड उससे प्रीवियस पिछले 3 दिनों की बात करूँ, अगर जहाँ से मार्केट जो गया है नीचे, तो वॉल्यूम स्टिल मिसिंग। ऑल दो मेरा कहना है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हमें एटलीस्ट इस लेवल का तो वॉल्यूम चाहिए, वो भी नहीं देखने को मिल रहा है, बट वॉल्यूम तो मिसिंग है। और इसी की मैं बात करते रहता हूँ कि वॉल्यूम जब तक मिसिंग रहता है ना तब तक मार्केट में कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं होता। बट क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम अभी से नहीं, लगभग लगभग 3-4 महीने से मिसिंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो मूव हो रहा है ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमने ब्रेकआउट तो दिखा दिया। ब्रेकआउट हमने ठीक ठाक जो कह सकते हैं थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ ही दिखाया था, तो अल्टीमेटली हमने रिवर्सल दे दिया है, रिवर्सल चल रहा है, तभी हमारा प्राइस जोन ऊपर चल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब प्राइस नीचे जाता है तो हम बिल्कुल ही निगेटिव हो जाते हैं। हम टीए की सपोर्ट लाइन की बात नहीं करते हैं, हम रेजिस्टेंस लाइन को नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। बट याद रखना मार्केट हमेशा ही रिस्पेक्ट करता है, चाहे एक दिन के लिए वो भले रिस्पेक्ट ना करे, अल्टीमेटली वो रिस्पेक्ट ही करेगा, इस बात को समझो। एंड मार्केट जितना पुराना होता है, चार्ट जितना ही पुराना होता है, उतना ही स्ट्रांग आपका बनता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस बात को लेकर चलो कि हमारा ट्रेंड तो अपसाइड ही है। आप ये पहली बार मूव आया डाउनवर्ड ये तो नहीं दिख रहा, अभी अभी रिसेंटली जब ब्रेकआउट आया भी था उसके बाद भी ऐसा कुछ मूव आया था, और मैंने हर बार कहा हुआ है कि नीचे जा सकता है। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि नीचे जा सकता है, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि नीचे जा सकता है। तो नीचे जाने का जो लेवल था मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। अगर मैं प्रीवियस हिसाब से भी देखूं, अगर प्रीवियस जो आया था बॉटम से, वहां पे भी जो हमने बॉटम दिखाया था कुछ इसी लेवल से रिटर्न मार गया था। एंड इससे पहले वाला भी अगर देखें तो वहां पे हमने एग्जैक्टली इसके नीचे भी मूव दिखा दिया था। तो इस बात को समझो कि अल्टीमेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो प्ले आउट करता है, भले आप उसको मानो या ना मानो, आपके मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, चार्ट पर अल्टीमेटली वो चीज होगा। हाँ, वो टाइम के साथ होगा, और अगर मार्केट इतना आसान होता तो हर दूसरा बंदा जो है बहुत पैसे बनाता, लेकिन सच बात यह है कि मार्केट में पैसे बनाने वाले की संख्या से ज्यादा जो है मार्केट में लूज करने वालों की होती है, और ये लूज करने वालों की संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में चीजों को देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म में देखते हैं उनका कभी लूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 साल पहले अगर बिटकॉइन लिए हो तो आज भी आप प्रॉफिट में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 साल पहले एथेरियम लिए हो तो आज भी प्रॉफिट में, आप लूज कभी नहीं करोगे। 10 साल पहले लिए हो तो भी आज प्रॉफिट में। तो जो शॉर्ट टर्म में देखते हैं चीजों को और उस बेस पे सेल करते हैं, उनका जरूर परमानेंटली लॉस जो होता है उनको बुक कर लेते हैं, और एक बार लॉस बुक कर लिया फिर वो रिवर्सल नहीं हो सकता। तो इस बात को समझो, मेरा मानना है कि हमारा ग्रीन कैंडल होगा आज के दिन का। ऑल दो एज पर टी ये चीजें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बट मैं 2 या 3 जो सपोर्ट लेवल है उसके बेस पे कह रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये डेफिनेटली प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे अगर चीजें तो और ज्यादा क्लियर होंगी। 1 आवर के चार्ट पे जो अभी कुछ दिनों से हमें बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा था, अब 1 आवर के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस दिखना शुरू हो गया। अगर मैं बात करूं, आप आरएसआई लेवल पे देखोगे हायर लो बनाना शुरू हो गया। अब ये अगर डाउन जाता है, अगर मान लो और डाउन जाता है तो कहां तक जा सकता है? इनफैक्ट मैं कहता हूं 33 तक भी चला जाएगा ना आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे आज के दिन, तो भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेटली हायर लो क्रिएट कर रहे हैं आरएसआई पे। लेकिन प्राइस वाइज क्या हो रहा है, हम अल्टीमेटली इसके कंपैरिजन में नीचे जा रहे हैं, इसके कंपैरिजन में नीचे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है
तो डेफिनेटली जो है हमारा क्लोजर नीचे नीचे होते जा रहा है और आरएसआई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और बुलिश डाइवर्जेंस जरूर प्ले आउट होगा आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अभी इस आवर में हमें 21 EMA काफी तेजी से रिजेक्शन दिया है पिछले 2 घंटे पहले, एंड अभी हम वापस से चेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 47,000 का लेवल जो क्रॉस करेगा, 47,200 का लेवल, उसके ऊपर कैसे क्या क्लोजर लेता है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, एंड यही डिसाइड करेगा कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। एंड डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे अभी चीजें उसी जोन पे है जहां पे हमें लास्ट टाइम ऐसे देखने को मिला था, क्लस्टर ऑफ लेवल्स। एंड यहां पे अगर मैं बात करूं उससे प्रीवियसली जो आया था करेक्शन, उसमें हम काफी इस लाइन के नीचे तक आ गए थे, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लाइन टू लाइन ही जलते हैं, बट यस क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 आवर के चार्ट पे हम पिछले लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग ये सेवंथ कैंडल होगा जो हम प्रिंट कर रहे हैं, एंड मेरा मानना है कि अब ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगा, एंड डेफिनेटली अभी 3 आवर्स है क्लोजर में, तो वी हैव टू सी कि कैसे क्या प्ले आउट होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि 47,800 के अराउंड में कैसे बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ पे 21 EMA एंड हमारा 51 EMA दोनों जो है मिल चुका है, एंड ऐसा ही कुछ मोमेंटम यहाँ पे हुआ था, एंड उसका रिवर्सल जो था कुछ इस तरीके से आया था यहाँ पे, तो कुछ हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस वी कैन एक्सपेक्ट, बट जो बाकी चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको नीचे जाता हुआ दिखा रहा है। तो यार दो ज्यादा कुछ टाइम नहीं लग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में आपको देखने को मिलेगा, एक कैंडल को ढंग का अगर क्लोजर मिल जाए 4 आवर के चार्ट पे या वनडे के चार्ट पे, तब कुछ रिवर्स होता हुआ दिख जाता है। आरएसआई की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, यस अभी लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, डेफिनेटली अभी फिलहाल ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहां तक हम आ चुके हैं, एंड जो कि प्रीवियस जो अभी आया था उसी के बराबर है, तो लेट्स सी यहां से कहां जाता है। बट अल्टीमेटली यहां पे भी अगर आप देखोगे तो प्राइस लेवल वाइज डेफिनेटली जो है अब चीजें जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, एंड सकोस्टिक आरएसआई जो है आपका यहाँ पे रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले आवर्स में तो मुझे लग रहा है कि ग्रीन कैंडल ही बनाने की ज्यादा संभावना है, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑल्सो कि हम कुछ ऐसा ही प्ले आउट करें, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे हम लेके अपसाइड मूव फिर वापस से नीचे आ सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ था। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो हमारा पूरा वीकेंड भी इसी जोन में चला जाएगा, यानी कि हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर इसी लेवल के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए और अच्छा होगा, फंडामेंटल या फिर कह सकते हैं टेक्निकल चार्ट के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके बेस पे देखा जाए तो और चीजें अच्छी होंगी। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, ठीक है। एंड अब बात कर लेता हूं वन डे के चार्ट पे कि अभी अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो क्लोजर कहां पे एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरा मानना है ग्रीन कैंडल होगा आज का, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 47,200 से ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है बहुत अच्छा माना जाएगा। 47,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिलता है ठीक ठाक माना जाएगा, अगर जहां पे हम हैं वहीं पे क्लोजर मिलता है तो यस दिस इज समथिंग जो हमें शॉर्ट टर्म में यानी कि अगले 5-6 दिन के लिए परेशान और कर सकता है, इस बात को याद रखना। तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा, एंड एक चीज नोटिस करना, आज फ्राइडे है एंड हर फ्राइडे को कहीं ना कहीं एक स्पाइक देखने को मिलता है इवनिंग आवर्स आते आते यूएस मार्केट ओपन होते होते, तो आज का इंटरेस्टिंग होगा देखना, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले, एंड मेरे हिसाब से जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, तो यस वी कैन स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस लेवल, ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हो गया, अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट बिल्कुल जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है साइडवेज एक्शन, वैसा ही डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है, ऑल दो हमारा क्लोजर कल ठीक 10 EMA के ऊपर हुआ, आज अभी फिलहाल हम रेड कैंडल जरूर बना रहे हैं, लेकिन सकोस्टिक आरएसआई की बात कर लेते हैं काफी ऊपर चला गया, यहाँ पे डेफिनेटली अब साइडवेज एक्शन होते हुए धीरे धीरे 80 के बिलो आएगा, एंड उसके बाद ही मोमेंटम हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। इस मोमेंटम की वजह से क्या हुआ कि बीटीसी चार्ट पे कुछ कुछ ऑल्टकॉइन में जिसमें अच्छा खासा अभी रैली देखने को मिला था, थोड़ा बहुत 5-10% का करेक्शन देखने को मिला है। तो देखो अल्टीमेटली मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, एंड इस वीकेंड तक हमें एक्सपेक्टेशन है कि 43 के बिलो जाना चाहिए था, बट जिस हिसाब से चीजें अभी चल रही है थोड़ा सा डिलेड लग रहा है उसमें, लेकिन घबराने की बात नहीं है। स्पेशली अभी ध्यान से देखो कल के दिन और आज के दिन हमने सिर्फ 10 EMA नहीं 20 EMA भी रीटेस्ट कर लिया, एंड वहां से फेल हो रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। एंड यही नहीं वीकली चार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, ऑल दो हम ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, ग्रीन कैंडल कुछ खास नहीं बना रहे हैं, जहां पे ओपनिंग थी वहीं पे अभी फिलहाल हम हैं, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम रेड कैंडल ही बनाएंगे इस वीक भी, इस ऑब्वियसली अभी 2-3 दिन है टाइम इसमें होने में, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन अल्टीमेटली हमारा कैंडल ऐसे ही जाएगा। ये वीक डेफिनेटली हमें काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्स दिखा दिया है, अभी तक हमें नहीं दिख रहा नीचे जाता हुआ, बट देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे रेड कैंडल हो एंड अल्टीमेटली हम नीचे जाएंगे, एंड अगर इस वीक हमें साइडवेज एक्शन दिखा है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले वीक अब बहुत बड़ा रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है इसी जगह पे, देर इज अ पॉसिबिलिटीज। वर्स्ट केस सिनेरियो यहां तक भी जा सकता है, तो क्या यहां तक जाना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। वीकली चार्ट पे सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 20 के 80 के बिलो जैसे ही जाता है चीजें निगेटिव होनी शुरू हो जाती है प्राइस लेवल पे, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होगा, एंड अल्टीमेटली तेजी से मोमेंटम आने वाले 2 से 4 वीक आपको देखने को मिलेंगे डोमिनेंस चार्ट पे, इस बात में क्लियर रखो चीजों को। एंड डेफिनेटली आरएसआई जो है स्टक है एक ही जोन में, इसी वजह से आपका पोर्टफोलियो भी स्टक है उसी जोन में।
तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा मोमेंटम बना के रखा है। अब डेफिनेटली इसका जो इंपैक्ट है डेली चार्ट पे भी आपको देखने को मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि आज शाम होते होते डोमिनेंस चार्ट अल्टीमेटली रेड कैंडल ही क्लोज करे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात करूं, वही जगह उसी जगह पे है जैसे डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है, उसी तरीके से इथेरियम का बीटीसी चार्ट बिहेव कर रहा है। देयर इज नथिंग मोर टू से, बट अल्टीमेटली हम जो बॉटम टेस्ट करना था टेस्ट कर चुके हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं 20 के ऊपर जाने में। जैसे हम 20 के ऊपर जाएंगे वैसे ही चीजें अच्छी होंगी। अगर डोमिनेंस चार्ट आज का कैंडल जो है हमारा अल्टीमेटली रेड कैंडल क्लोज होगा तो यहां पे आपको दिख सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे ग्रीन कैंडल, एंड सिमिलर वे में इसको इंपैक्ट करेगा यूएसडी चार्ट पे भी। कल भी हमने ग्रीन कैंडल प्रिंट किया, मामूली से बढ़त लिया, एंड उसका इंपैक्ट सीधा सीधा आपका यूएसडी चार्ट पे नहीं देखने को मिला। उसका रीजन ये था कि बिटकॉइन जो था काफी नीचे चला गया था, अल्टीमेटली इथेरियम उसके कंपैरिजन में कम बढ़ा था बीटीसी चार्ट पे। तो डेफिनेटली जो है क्लोजर ठीक उसी जगह पे 21 ईएमए के ठीक ऊपर, एंड आज हम वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सकोष्टी का रेसा हो या फिर मैकडी हो, सब थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यहां पे जितना बॉटम आना था मेरे हिसाब से आ चुका है। अब यहां से अल्टीमेटली अपसाइड ही जाना है, एंड ये प्रोबेबल डब्ल्यू पैटर्न जो था वो ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ा स्पाइक इथेरियम के चार्ट पे देखने को मिल सकता है, स्पेशली इस लेवल पे सकोष्टी का रेसा के लेवल पे, एंड इसका इंपैक्ट प्राइस लेवल पे भी डेफिनेटली पड़ेगा। एंड वही बात करूं यहां पे, तो यहां पे भी सिमिलर वे में बिहेव कर रहा है, एंड मैकडी की बात करूं तो मैकडी डेफिनेटली अब रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है हमें इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस जगह से बाउंस बैक दिखाएं, एंड बाउंस बैक जो होगा हो सकता है 4 से 5% का मूव आने वाले 24 to 48 hours में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। तो जो भी होगा डेफिनेटली आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर कोई भी क्विक अपडेट होगा जो मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ टीए वीडियो में, अगर उसके ऊपर कोई भी चेंजेस होगा तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा उसकी टेलीग्राम या ट्विटर पे। तो अगर नहीं बने उन प्लेटफॉर्म्स पे जरूर फॉलो कर लो चैनल को उन प्लेटफॉर्म्स पे भी। एंड गाइस फिलहाल के आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।